भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश का एक बहुत बड़ा खुलासा, और यह खुलासा चीन के ही एक पत्रकार ने किया है। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है, और यह एक ऐसी घटना थी जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। इस घटना के बाद भारत ने अपनी पूरी कमर कसी और चीन को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें भारत ने अपने जांबाज सिपाहियों की बदौलत चाइना इंडिया बॉर्डर पे कई महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट चीन से हथियार लिए, जिससे यह चीन को पता लगा कि हिमालयन रेंज में लड़ने के लिए हथियार नहीं सिपाहियों का हौसला और एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग चाहिए, जो कि फिलहाल चाइना के पास नहीं है। चीनी सैनिक बेल ट्रेंड भारतीय सैनिकों के मुकाबले कहीं नहीं टिक पाते, स्पेशली हिमालयन रेंज में लड़ने के मामले में, जिसके बाद लगता है चीन ने एक नया तरीका अपनाने की कोशिश की है। और इसी कोशिश में यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी और चीनी सैनिक मिलकर गलवान घाटी में भारत के खिलाफ काम करने में लगे हुए हैं। दरअसल जब चीन को लगा कि मैन टू मैन युद्ध में भारत के साथ नहीं लड़ सकता, तो उसने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, और इसी प्रोपेगेंडा की कोशिश में यह खुलासा हुआ। दरअसल पिछले दिनों प्रोपेगेंडा फैलाने के चक्कर में एक चीनी पत्रकार ने कुछ वीडियो और फोटोज ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि चीनी सैनिक कितने बहादुरी से युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसी वीडियो में थोड़ी देर बाद चलने के बाद एक दाढ़ी वाला शख्स भी दिखाई देता है, जो कि कहीं से भी चीनी सैनिक नहीं लगता। या तो वो पाकिस्तानी हो सकता है या फिर भारतीय। भारतीय होने का तो सवाल ही नहीं बनता, फिर वह पाकिस्तानी ही हो सकता है, जिससे यह कहीं न कहीं बात यह साबित होती है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस वीडियो से यह भी पता लगता है कि पाकिस्तानी सैनिक चीनी सैनिकों को बर्फीले क्षेत्र में हिमालय के रेंज में लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, या फिर चीनी सैनिकों की मदद कर रहे हैं। इस वीडियो का एक क्लिप के साथ स्क्रीन पर आप टाइम्स नाउ का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें यह शक जाहिर किया गया है कि पाकिस्तानी सैनिक चीनी सैनिकों की मदद कर रहे हैं हिमालय के ऊंची क्षेत्र में भारत से लड़ने के लिए।